जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे ही अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपके लिए जियो पेमेंट बैंक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों जियो पेमेंट बैंक में आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस बैंक अकाउंट में आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि ये बिल्कुल जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट होता है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता है और साथ ही साथ जैसे आप इस बैंक अकाउंट को ओपन कर लेते हैं, इंस्टेंट आपको फ्री वर्चुअल एटीएम कार्ड मिल जाएगा, जिस एटीएम कार्ड से आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे दोस्तों जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको भी जियो पेमेंट बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में माई जियो ऐप को इंस्टॉल करेंगे। माई जियो ऐप इंस्टॉल करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर में आके या फिर ऐप स्टोर में आके माई जियो ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए हमारा पहले से माई जियो ऐप इंस्टॉल किया हुआ है, हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको जियो पेमेंट्स बैंक में अकाउंट ओपन करना है। तो जैसे आप माई जियो ऐप को इंस्टॉल करके ओपन करेंगे, इस प्रकार आपके सामने इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले आपको जिस मोबाइल नंबर के थ्रू बैंक अकाउंट ओपन करना है उस मोबाइल नंबर को आप यहां पे एंटर करेंगे, देन नीचे जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और मोबाइल नंबर डाल के जैसे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी यहाँ पे ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा, साथ ही साथ ऑटोमेटिक यहाँ पे वेरीफाई भी हो जाएगा। अब यहाँ आपको कुछ सेकंड वेट करना होगा, आपके सामने माई जियो ऐप का इंटरफेस कुछ इस प्रकार शो हो जाएगा। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए नीचे आपको राइट साइड पे एक फाइनेंस का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली फाइनेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे फाइनेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा, यहाँ से आपको फाइनेंस रिलेटेड सर्विस दी जाती है। तो सिंपली जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए ऊपर आपको बैंक का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपल बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे फिर से वेरीफाई किया जाएगा, तो इसके लिए आपको परमिशन अलाउ करने होंगे, तो आप अलाउ पे क्लिक करेंगे। अब अलाउ पे जैसे क्लिक करेंगे आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे फिर से वेरीफाई किया जाएंगे, आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है और यहाँ पे हमारे सामने जियो पेमेंट्स बैंक का कुछ हाइलाइट्स यहाँ पे शो हो चुका है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम जियो पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें 3.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा जो पैसे हम इसमें सेविंग करेंगे। इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि आपको वॉलेट की फैसिलिटी मिलेगी। तो सिंपल आपको बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए गेट ए सेविंग अकाउंट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप गेट ए सेविंग अकाउंट पर क्लिक करेंगे आपको फिर से कुछ समय यहाँ पे वेट करना होगा। अब यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर का सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आप यहाँ पे जो मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे या फिर जिस मोबाइल नंबर थ्रू आप बैंक अकाउंट को ओपन करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ वही मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो हमारा मोबाइल यहाँ पे आधार कार्ड के साथ लिंक है, हम यहाँ पे रहने देते हैं, देन प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। अब जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर फिर से ओटीपी भेजा जाएगा। अब दोस्तों मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेने के बाद अब आपको अपना एक ईमेल आईडी यहाँ पे देना होगा और ईमेल आईडी को आपको वेरीफाई भी करना होगा। तो जो भी आप ईमेल आईडी यहाँ पे देना चाहते हो उस ईमेल आईडी को आप डालेंगे, देन प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ईमेल आईडी डालकर जैसे प्रोसीड करेंगे आपके ईमेल आईडी पे भी एक ओटीपी भेजा जाएगा, तो आपको अपना ईमेल बॉक्स को ओपन करना है, देन जो भी आपको ओटीपी रिसीव हुआ है वो आपको एंटर करना है, देन प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों आप ईमेल ओटीपी डालकर प्रोसीड करेंगे आपके सामने जियो पेमेंट्स बैंक का जो टर्म एंड कंडीशन है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आप चाहे तो टर्म एंड कंडीशन को अच्छे से रीड कर सकते हैं, देन आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि जियो पेमेंट बैंक में दो टाइप का अकाउंट ओपन किया जाता है, एक सेविंग अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हमें यहाँ पे नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन करना है, तो सेविंग अकाउंट यहाँ पे पहले से सिलेक्टेड है, हम रहने देते हैं, देन प्रोसीड पे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे आप अकाउंट टाइप सेलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे अब आपको यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट का फीचर सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि दो फीचर का बैंक अकाउंट यहाँ पे ओपन होता है। आप चाहे तो एटीएम कार्ड के साथ बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अगर आपको एटीएम कार्ड के साथ बैंक अकाउंट ओपन नहीं करना है तो आप यहाँ पे विदाउट डेबिट कार्ड वाला डेबिट कार्ड को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप विदाउट डेबिट कार्ड का बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी एटीएम कार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यूपीआई की फैसिलिटी मिलेगी। तो चलिए हमें एटीएम कार्ड के साथ बैंक अकाउंट ओपन करना है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, देन चलिए हम यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट डिटेल्स देना होगा। सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर करना है, इसके बाद आप अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, देन नीचे आपको टर्म एंड कंडीशन के जो भी चेकबॉक्स दिए गए हैं उसको आपको टिक मार्क लगाना है, देन नीचे आपको जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप अपना पैन नंबर एंड आधार नंबर डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे अब आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर 6 डिजिट ओटीपी भेजा जाएगा, आपको उस ओटीपी को एंटर करना है, देन आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हमारा आधार ओटीपी रिसीव हो गया, हम आधार ओटीपी डाल के वेरीफाई एंड प्रोसीड कर देते हैं। अब आधार ओटीपी डाल के आप जैसे प्रोसीड करेंगे अब दोस्तों आपका कंप्लीट डिटेल ये आपके आधार कार्ड से फेच कर लेगा, आपका कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा, जो डिटेल्स आपके आधार कार्ड में है आपका फोटो यहाँ पे शो हो जाएगा, जो फोटो आपके आधार कार्ड में आपका फुल नेम, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका आधार कार्ड का एड्रेस भी यहाँ पे शो हो जाएगा। अब सिंपल आप अपने डिटेल्स को चेक करेंगे, देन प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप प्रोसीड करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको फिर से कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पे देने होंगे, जैसे कि आपको अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पे सेलेक्ट करना है तो आप अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका शादी नहीं हुआ तो आप सिंगल सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका शादी हो गया है तो आप मैरिड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको फादर फर्स्ट नेम यहाँ पे एंटर करना है, इसके बाद आप अपना फादर लास्ट नेम एंटर करेंगे, इसके बाद नीचे आपको अपना मदर फर्स्ट नेम एंटर करना है, देन नीचे आप अपना मदर लास्ट नेम एंटर करेंगे, देन नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे।
अब जैसे आप अपना फैमिली डिटेल्स डाल के प्रोसीड करेंगे, अब आपको यहाँ पे अपना इनकम डिटेल्स देना होगा। सबसे पहले आपको अपना ऑक्यूपेशन टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपका ऑक्यूपेशन टाइप क्या है, आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड ऑप्शन को सिलेक्ट किए हैं। इसके बाद आपको सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे कि हम यहाँ पे बिजनेस को सिलेक्ट किए हैं। इसके बाद आपको अपने एनुअल इनकम यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, आपका एनुअल इनकम कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 50,000 रुपये से लेकर 1 करोड़ का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। इसके बीच जो भी आपकी एनुअल इनकम है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब एनुअल इनकम सिलेक्ट कर लेने के बाद नीचे आपको एक चेकबॉक्स मिलेगा, इस पर आपको टिक मार्क लगाना है, देन नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इनकम डिटेल्स डाल के प्रोसीड करेंगे, अब आपको यहाँ पे नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जाएगा। तो अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो इसके लिए आप ऐड नाउ पे क्लिक करना है, और अगर आप बाद में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं, अगर आपको अभी नॉमिनी ऐड नहीं करना है तो आपको नीचे स्किप फॉर नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फिलहाल स्किप कर देते हैं। अब जैसे दोस्तों आप नॉमिनी डिटेल्स को डिक्लेयर कर लेंगे, अब आपके सामने आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का रिव्यू आ जाएगा। यहाँ पे अब तक आपने जो भी डिटेल्स फिलअप किए हैं वो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो आप इसको अच्छे से चेक कर लेंगे, जो भी डिटेल्स फिलअप किए हैं वो आपका सब कुछ सही है, तो आप यहाँ पे आगे सबमिट करेंगे। अगर आपका इसमें से कोई भी डिटेल्स रॉन्ग एंट्री हो चुका है तो आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिलेगा, आप एडिट पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। तो चलिए हमारा सभी डिटेल्स सही है तो हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। अब सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आपका अकाउंट ओपनिंग का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और अब आप फाइनल स्टेप में आ जाएंगे। फाइनल स्टेप में आपको यहाँ पे वीडियो केवाईसी के थ्रू वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है जिसको आपको यहाँ पे फॉलो करना है। जैसे कि आपको वीडियो केवाईसी जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपको अपने हाथ में ओरिजिनल आधार कार्ड एंड पैन कार्ड रखना है। आपको अच्छे इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले जगह पे बैठना है, लाइट वाले जगह पे बैठना है, शांत वाले जगह पे बैठना है। और यहाँ पे जो वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने का जो टाइमिंग बताया गया है वो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक आप अपना वीडियो केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए रेडी है तो आपको सिंपल स्टार्ट कॉल विथ एन एजेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट कॉल विथ एन एजेंट पे क्लिक करेंगे आपका वीडियो कॉल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और जियो पेमेंट बैंक के जो भी एजेंट होंगे वो आपके साथ वीडियो कॉल पर जुड़ जाएंगे। वे आपसे कुछ डिटेल्स पूछेंगे, आपका डॉक्यूमेंट देखेंगे, आपका पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, और आपसे जो भी आपका पर्सनल डिटेल पूछा जाएगा वो आपको उनको बताना है। तो जैसे आप यहाँ पे वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं आपका बैंक अकाउंट सक्सेसफुली ओपन कर दिया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो केवाईसी का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो वीडियो केवाईसी है वो यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों जैसे आप अपना वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको एसएमएस के थ्रू रिसीव हो जाएगा, और साथ ही साथ आप माई जियो ऐप पर जाकर अपना अकाउंट डिटेल्स देख सकते हैं, अपना अकाउंट नंबर देख सकते हैं, बैंक का एफसी कोड देख सकते हैं, साथ ही साथ आप अपना वर्चुअल एटीएम कार्ड को भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने वर्चुअल एटीएम कार्ड का यूज भी कर सकते हैं। आप गूगल पे, फोन पे, एटीएम जैसे यूपीआई ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप जियो पेमेंट्स बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आपको जियो पेमेंट्स बैंक में कैसे अकाउंट ओपन किया जाता है, कैसे आप ऑनलाइन अकाउंट का ओपन कर सकते हैं, इसका कंप्लीट प्रोसेस बताया है। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।